कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे कार्य जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है तो जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यह असंभव शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो दोस्तों, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सारी चीजें आपके विरोध होती हैं और हर तरफ से निराशा मिल रही है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा जरूरी है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूब जाने के कारण कप का हार मान चुका होता। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल भी नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब ज़रा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 1000 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, तो आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाला कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आप सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर किसी काम में असफल भी हो गए हैं तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।